रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। हेलो सेशन में क्या हो रहा है, एंटायर इकोनॉमी का डाउनफॉल चालू है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब नॉर्मल सिचुएशन चलता है तो नॉर्मल सिचुएशन में प्लास्टिक इंडस्ट्री अच्छी चल रही है तो रबर इंडस्ट्री खराब चल रही है, फूड इंडस्ट्री अच्छी चल रही है तो फार्मा इंडस्ट्री खराब चल रही है, इंफ्रा इंडस्ट्री अच्छी है तो एजुकेशन इंडस्ट्री खराब है। ऐसा कोई इंडस्ट्री अच्छी है, कोई इंडस्ट्री खराब है, कोई अच्छी चल रही है, कोई खराब चल रही है, तो इसे रिसेशन नहीं बोलेंगे, इसे रिसेशन नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, प्लास्टिक रबर इंडस्ट्री में रिसेशन है, फार्मा इंडस्ट्री में रिसेशन है, इंडस्ट्री वाइज रिसेशन है। लेकिन कंप्लीट इकोनॉमी में रिसेशन कब है, जब सभी सेक्टर्स डाउनफॉल में, मतलब मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स कैसे डिक्लाइनिंग में, मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स डिक्लाइनिंग में। और ये ऐसा एक तो 10 दिन 15 दिन के लिए नहीं होता है, 2 महीने 6 महीने 8 महीने ऐसे साल भर चलता है, इसे कहते हैं रिसेशन। अब डिप्रेशन लिखो, डिप्रेशन सॉरी सॉरी मोर एक्सट्रीम इकोनॉमिक डाउन टर्न, डिप्रेशन इज अ मोर एक्सट्रीम डाउन टर्न, मतलब रिसेशन का बड़ा भाई, रिसेशन का बड़ा भाई, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में डिप्रेशन और रिसेशन एक ही चीज बोला हुआ है, एज सच कुछ डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ है, समझा। ये आपको लिख लिया क्या ये आपने? नहीं सर, 1 मिनट। हर्ष आपने लिखा क्या? सर लिखी थी। सर हो गया। हाँ हर्ष आपका भी हो गया? सर, 2 मिनट। हाँ आराम। डन सर। ठीक है, आगे का बढ़ो अर्शन। Decrease in input demand pulls input prices down. Income of wages and interest earned gradually decline, resulting in decreased demand for goods and services. Producers lower their prices in order to dispose of their inventories and for meeting their financial obligations. Consumers, in their turn, expect future decrease in price and postpone their purchase. With reduction, consumer spending aggregate demand falls. Generally, costs fall in prices. The discrepancy between demand and supply gets widened further. This process gathers speed and recession becomes severe. Investments start declining. Production and employment decline, resulting in further decline in incomes, demand, and consumption of both capital goods and consumer goods. Business firm becomes pessimistic about the future state of the economy, and there is a fall in profit expectations, which induces them to reduce investment. Bank credit shrinks and its borrowing for investment declines. Investor confidence is at its lowest. Stock prices fall and unemployment increases despite fall in wage rate. The process of recession is complete and the severe contraction in the economic activities pushes the economy into the phase of depression. ठीक है, तो ये खुद ही बोलता है जहाँ पे सीवियर कॉन्ट्रेक्शन होता है, जब रिसेशन खत्म होता है वहां पे क्या हो जाता है, डिप्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है,
तो हमने देखा कि हमारा सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो हम क्या करेंगे, हमें सप्लाई जो सरप्लस सरप्लाई है वो हमें बेचना है। तो कैसे बेचेंगे, हमने लॉ ऑफ डिमांड बढ़ाया, हम प्राइस कम करेंगे, प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो हम हमारे प्रोडक्ट प्राइस कम करके मार्केट में बेचना स्टार्ट करते हैं। हम हमारी कॉस्ट कटिंग स्टार्ट करते हैं, एम्प्लॉइज की कॉस्ट कटिंग करते हैं, जो एम्प्लॉय की नीड नहीं है उन्हें जॉब से निकाल देते हैं। प्रोडक्शन लेवल्स हमारी कम होती है, प्रोडक्शन लेवल कम होती है मतलब हमारे रिसोर्सेज हम थोड़े कम एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर भी अपने खर्चे कम कर देते हैं, कंज्यूमर भी अपने खर्चे कम कर देते हैं। बिजनेसमैन कैसे होते हैं, पेसिमिस्टिक मतलब निगेटिव विचार की हो जाते हैं कि नहीं भाई अब और इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये बिजनेस में जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना है। बैंक्स भी क्या करती है, लोन देना कम कर देती है, क्यों, क्योंकि किसी के बिजनेस ही नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है तो इंसान लोन लेगा क्या, लोन जैसे कि जो बिजनेस मार्केट में क्या है, मंदी है, तो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करता, सोचता नहीं। अब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच नहीं रहा है तो कोई बैंक के पास क्रेडिट के लिए जाता नहीं, और कोई बैंक के पास क्रेडिट के लिए गया भी तो बैंक खुद ही इकोनॉमिक सिचुएशन को एनालाइज करती कि भाई अभी तो ये बिजनेस चलेगा ही नहीं, बिजनेस चलेगा नहीं तो हमारी ईएमआई कैसे सर्व होंगी, कैसा होता है, पूरा निगेटिविटी वाला सिचुएशन है, पूरा डाउनफॉल डिक्लाइन वाला सिचुएशन है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पूरा डिक्लाइन वाला सिचुएशन है। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आगे बढ़ो, ट्रफ्स एंड डिप्रेशन। हेलो, पढ़ो आगे ट्रफ। सर वॉइस नहीं आ रही ना? नहीं, आप रीड करो वंशिता। हाँ, डिप्रेशन इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमी एक्टिविटी। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइन रैपिडली। Demand for products and services decreases. Prices are at their lowest and decline rapidly, forcing firms to shut down several production facilities. Since companies are unable to sustain their workforce, there is mounting unemployment, which leaves the consumers with very little disposable income. A typical feature of depression is the fall in interest rate. With a lower rate of interest, people demand for holding liquid money, that is cash, increases despite lower rate of interest. The demand for credit declines because investors' confidence has fallen. Often, it also happens that availability of credit also falls due to possible banking or financial crisis. Industries, especially capital and consumer durables, goods industries suffer from excess capacity. Large number of bankruptcies and liquidations significantly reduces the magnitude of trade and commerce. At the depth of depression, all the economic activity touches the bottom and the phase of commerce. And the phase of trough is reached. It is a very agonized period, causing a lot of distress for all. The Great Depression of 1929 to 1923 is still cited for the enormous misery and human suffering is caused. ठीक है, तो ये जो ऐसा साइकिल होता है ना, तो ऊपर का जो पॉइंट होता है उसे पीक बोलते हैं, उसे क्रेस्ट। सर वॉइस क्लियर नहीं है। स्टेबल हुई आवाज? हाँ सर, थोड़ी स्टेबल हुई अभी। ठीक है, तो ये जो टॉप वाला पॉइंट है जो पीक कहते हैं उसे क्रेस्ट भी कहते हैं, जो ये डाउन वाला पॉइंट है इसे ट्रफ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। तो ट्रफ मतलब क्या होता है कि सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन है, स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है, सब कुछ नेगेटिव है, बिजनेसमैन का पेसिमिस्टिक व्यू चल रहा है, बिजनेस अगर प्रॉफिट में नहीं है तो क्या होगा, बिजनेस शटडाउन हो रहा है, ठीक है। अब बिजनेसमैन अपनी जो जैसे कि किंगफिशर अपने एम्प्लॉइज को, स्टाफ को सैलरी दे पा रहा था कि नहीं,
तो हम हमारी जो वर्क फोर्स है उनको पेमेंट नहीं कर पाते, तो उन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो लोगों के पास ये जो एम्प्लॉयज है, ये एम्प्लॉयज कैसे हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। अब जब ये एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड हो गए तो इनके पास डिस्पोजिबल इनकम है क्या? देखो ट्रफ, ट्रफ में क्या हो रहा है, एक्सट्रीम रिसेशन हो रहा है, एक्सट्रीम रिसेशन। बिजनेस एक्टिविटीज कम हो रही है, तो उससे क्या करेंगे हम, वर्क फोर्स को काम से निकालेंगे, ठीक है, हम रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो ये जो लोग है इन्हें पैसा मिलेगा क्या? नो मनी। नो मनी मतलब नो डिस्पोजेबल इनकम, तो इनके पास में पैसा नहीं है कि वो खर्च कर सके। अब अगर ये लोग खर्च करेंगे नहीं तो फिर बिजनेसमैन का प्रोडक्ट सेल होगा क्या? बिजनेसमैन का प्रोडक्ट सेल होगा क्या? नहीं, नहीं। अगर पब्लिक के पास में डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है, पब्लिक है कौन, हमारे एम्प्लॉयज ही तो पब्लिक है ना, जो इंसान लोग जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वही है ना, कंज्यूमर्स भी वही है ना। तो हमारे पास इनकम ही नहीं है तो हमारे प्रोडक्ट भी, हाँ तो प्रोडक्ट सेल होंगे क्या? नहीं, प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे तो और क्या होगा, और डाउनफॉल आएगा, और डाउनफॉल आएगा। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिप्रेशन, इस सिचुएशन को बोलते हैं डिप्रेशन। ये हो गया नॉर्मल रिसेशन, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ रही है, इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ रही है। इस बीच क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, हजारों करोड़ों रुपए बैंक को दे नहीं पा रहा है। देखो क्या है, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एक बिजनेस हाउस है, उन्होंने क्या किया है, बैंक से काफी लोन लिया है, है ना, बैंक से काफी लोन लिया है। अब बैंक ने इनको लोन क्यों दिया, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, ये पैसा कमा के बैंक को इंटरेस्ट देंगे, इसलिए बैंक ने लोन दिया। अब क्या हो गया है, मान लो रिसेशन आ गया, डाउनफ्लो फॉल हो गया है, तो इनकी इनकम, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, कम होते होते ये क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, ये क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। अब अगर ये इंसॉल्वेंट हो गए तो बैंक ने जो लोन दिया था, बैंक ने जो पैसा दिया था, बैंक को मिलेगा क्या, रिपेमेंट होगा क्या, नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा, बैंक को लॉस होगा, बैंक को लॉस हो गया तो फिर से इकोनॉमी और हिट होगी, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। तो ये सारी बातें एक साथ आ जाती है तो इसे कहते हैं डिप्रेशन। ऐसी बातें सब एक साथ जब हो जाती है तब उसे कहते हैं डिप्रेशन, उसे कहते हैं ट्रफ। एकदम बॉटम पॉइंट जब आ जाता है मार्केट में उससे कहते हैं ट्रफ, ट्रफ। डिस्ट्रेस हो जाता है पूरे मार्केट में, बैंकरप्सीज हो जाती है, लिक्विडेशन हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है। तो ऐसा ग्रेट डिप्रेशन कब देखा गया था, 1929 से 1933। सॉरी, समझ में आया है क्या? हाँ सर। ओके, रिकवरी रीड करो। The economy cannot continue to contract endlessly. It reaches the lowest level of economic activity called trough and then starts recovering. Trough generally lasts for some time and marks the end of pessimism and beginning of optimism. This reverses the process. The process of reversal is initially felt in labor market. Pervasive unemployment forces the worker to accept wages lower than prevailing rates. The producers anticipate lower cost and better business environment. A time comes when business confidence takes off and get better. Consequently, they start to invest again and to build stocks.
the banking system starts expanding credit. Technological advancements require fresh investment into new type of machines and capital goods. Employment increases, aggregate demand picks up, and price gradually rises. Besides, price mechanism act as a self-correcting process in free enterprise economy. The spurring of investments causes recovery of the economy. This act as a turning point from depression to expansion. As the investment rises, production increases, employment improves, income improves, and consumer begins to increase their expenditure. Increased spending causes increased aggregate demand, and in order to fulfill the demand, more goods and services are produced. Employment of labor increases, unemployment falls, expansion takes place in the economic activity. It is to be re-emphasized that no economy follows a perfectly timed cycle, and that the business cycles are anything but regular. They vary in intensity and length. There is no set pattern which they follow. Some cycles may have longer periods of boom, others may have longer periods of depression. It is very difficult to predict the turning point of the business cycle. Sir, aage padhu kya? Haan, padhu na. Haan. Economists use changes in a variety of activities to measure the business cycle and to predict where the economy is headed towards. These are the indicators. A leading indicator in measurable economic factors. Okay, okay. So, recovery. अब जो डिप्रेशन है, जो मायूसी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा क्या? नहीं. एक टाइम के बाद में हमारा कबीर सिंह भी रिकवर कर गया था. फिर ये तो इकोनॉमी है. तो पेसिमिज्म, जो नेगेटिविटी है, वो एंड होती है. तो आशा की किरण दिखती है, ऑप्टिमिज्म आता है, बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म. परवेजिव अनएम्प्लॉयमेंट, परवेजिव मतलब ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट. हमने डिप्रेशन में क्या देखा था? डिप्रेशन में क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था. तो परवेजिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओवरऑल. ये परवेजिव जो वर्ड है ना, ऑडिट में आपको देखिए, अभी तो ऑडिट सब्जेक्ट ही नहीं है आपको, इंटर में आपको ये वर्ड बहुत बार यूज होगा ऑडिट सब्जेक्ट में. परवेजिव मतलब ओवरऑल. तो क्या था? सब जगह नेगेटिविटी थी, सबकी जॉब जा रही थी. अब क्या होगा? पॉजिटिविटी आएगी. पहले क्या हो रहा था? जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को कॉस्ट कम करना था. तो बिजनेसमैन लेबर को कैसे छोड़ेगा? सीधा छोड़ देगा क्या? नहीं. लेबर की सैलरी थी मान लो 500 पर डे, तो वो बोलेगा 300 पर डे में काम करता है तो कर, नहीं तो छोड़ दे. तो लेबर जिसको 500 रुपए रोज का मिल रहा है, वो 300 में काम करेगा क्या? नहीं. या जिसे 5000 रोज का मिल रहा है जिस इंजीनियर को, वो 3000 पर डे में काम करेगा क्या? नहीं. तो इस वजह से क्या हो रहा था? वो लोग जॉब छोड़ रहे थे. और जॉब छोड़ने के बाद क्या हो रहा था? वो दूसरी जगह अप्लाई कर रहे थे, लेकिन दूसरे जगह भी यही सिचुएशन थी. तो उससे क्या हो रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था. तो इस वजह से क्या हुआ? ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ. लेकिन कब तक चलेगा? कब तक हम पैसा नहीं कमाएंगे? हमारी सेविंग्स खत्म होने लगेंगी. तो हम क्या बोलेंगे? यार 300 मिल रहा है तो 300 में काम कर रहे, 3000 मिल रहा है तो 3000 में काम कर रहे. तो जो लेबर है, जो वर्किंग है, लेबर मतलब सिर्फ लेबर नहीं, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी जॉब करते हैं, ये सब लोग जो एम्प्लॉयमेंट फोर्स है, ये क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे लोअर वेजेस को, जो लोअर सैलरी है वो एक्सेप्ट करेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे. बिजनेस में फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, नई इन्वेस्टमेंट आएगी, बैंकिंग सिस्टम की लोन बांटना स्टार्ट करेंगी, नई टेक्नोलॉजीज का यूज होगा, हम नए प्लांट एंड मशीनरीज खरीदेंगे, प्राइस मैकेनिज्म अपने आप से काम करेगा, सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये सारी बातें होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगा, एक्सपांशन बढ़ेगा. तो क्या हो रहा है? इकोनॉमी रिकवर हो रही है, इकोनॉमी रिकवर हो रही है. इसे कहते हैं इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, रिकवरी वाला फेज है. यहाँ तक समझा गया? ओके, यस सर. ठीक है, अब जरा ये बताना, जो साइकिल का टाइम है वो फिक्स है क्या? नहीं सर. नहीं, तो ऐसा बोलते नहीं आता कि कितने टाइम ग्रोथ चलेगी. कि देखो कैसा हो सकता है, ग्रोथ का फेज हमारा ऐसा भी हो सकता है, ग्रोथ का फेज हमारा ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. पीक कितने टाइम चलेगा? पीक इतना भी हो सकता है, पीक इतना भी हो सकता है, पीक इतना भी हो सकता है. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कितना ग्रोथ होगा, कितना पीक रहेगा और कितना टाइम डिप्रेशन रहेगा. तो ये फिक्स नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है. ठीक है, इनफैक्ट ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, आपने अगर इतना हाईलाइट कर लिया
तो आपको देखो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ाई करते हो ना तो इतना पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन सेकेंड टाइम जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, इतना पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये मेन मेन पॉइंटर्स पढ़ने हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं या आपको जो इम्पोर्टेंट लगते हैं। अगर आप सिर्फ इतने जो मेन मेन पॉइंट्स है इतने भी पढ़ लो तो आपके मीनिंग क्लियर हो जाएंगे, है ना, जो सेंटेंस है सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, हमने सिर्फ इतने पॉइंट्स भी पढ़ लिए तो आपको नहीं लगता क्या? तो हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। जो हमारा मॉड्यूल है 250 पेजेस का, उसको रिड्यूस करना है 50 पेजेस पे। अगर वो रिड्यूस हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिविजन कर सकते हैं, और मल्टीपल रिविजन हो गई तो सक्सेस इज ऑल योर्स। जितने बार पढ़ के ज्यादा होगा उतने बार उतना स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये परफेक्टली टाइम साइकिल है क्या? नहीं। इनकी इंटेंसिटी और लेंथ फिक्स है क्या? नहीं। इनका पैटर्न भी फिक्स है क्या? नहीं। कोई लंबा चलता है कोई छोटा चलता है, ठीक है। और इनका टर्निंग पॉइंट कब आएगा ये भी फिक्स है क्या? नहीं। इकोनॉमी चल रही है, कब पलटेंगी किसी को बोलते नहीं आएगा, कब COVID-19 आ गया किसी को पता ही नहीं चला, लॉकडाउन लगा हमें तो लगा कि सिर्फ 21 डेज का लॉकडाउन है, 21 डेज से कब 5 महीने बीत गए पता ही नहीं चला, किसी ने सोचा था कि 21 डेज का लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा? नहीं, हमने इमेजिन ही नहीं किया था। तो कौन सा पीरियड, इकोनॉमी कैसी चलेगी कब चलेगी ये कुछ बोलते नहीं आता है, हाँ लेकिन कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो ये हमें बताते हैं, ठीक है। वंशिता रीड करो, देयर आर दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, रीड करो। एक सेकेंड सर। These are called indicators. A leading indicator is a measurable economic factor that changes before the economy starts to follow a particular pattern or trend. In other words, those variables that changes before the real output changes are called as leading indicator. Leading indicator often change prior to the large economic adjustments. Changes in stock price, profit margins and profits indices such as housing, interest rate and prices are generally seen at the precursors of upturns or downturns. Similarly, value of new orders for consumers' goods, new order for plant and equipment, building permits for private houses, fractions of companies reporting slower deliveries, index of consumer confidence and money growth rate are also used for tracking and forecasting changes in business cycle. Leading indicators, though widely used to predict changes in economy, are not always accurate. Even experts disagree on the timing of these so-called leading indicators. It may be weeks or months after a stock market crash before the economy begins to show signs of receding. Nevertheless, it may never happen. ठीक है, देखो, अब ये जो turning points वगैरह ये हमें पता चलते हैं क्या? नहीं। लेकिन economists use changes in variety of activities to measure the business cycle. मतलब जो economists लोग होते हैं, जो हम CNBC आवाज पे देखते हैं, या CNBC पे देखते हैं, NDTV प्रॉफिट पे देखते हैं, जी बिजनेस पे देखते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कोई एक्टिविटीज को, कोई इकोनॉमी को स्टडी करते हैं और वो प्रेडिक्ट करते हैं। तो वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं, इकोनॉमी ग्रो हो रही है या फॉल हो रही है, स्टैग्नेशन है या रिकवरी है, वो ये प्रेडिक्ट करते हैं। तो वो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, एक्टिविटीज को देख के, इकोनॉमी को देख के। तो उसे क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स, से हम कहते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। अब इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लीडिंग और एक होता है लैगिंग, ठीक है। लीडिंग मतलब हम कहते हैं वो लीडर है, कोई इंसान लीडर है, या आप हमें लीड करो, मतलब आप आगे चलो हम पीछे पीछे आएंगे। तो लीडिंग इंडिकेटर मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जिसके पीछे पीछे इकोनॉमिक इफेक्ट होता है। जैसे कि एक्टिविटी क्या हो गई, कोविड 19। अब कोविड 19 हो गया तो ये क्या हो गया, लीडिंग इंडिकेटर हो गया। अब हमें पता चल गया कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी या इकोनॉमिक रिसेशन होगा, क्यों, कोविड 19 आया है, तो उसके वजह से उसका इम्पैक्ट पीछे पीछे क्या गिर रहा है, ये हो गया लीडिंग, कोविड 19 क्या हो गया, लीडिंग इंडिकेटर। ठीक उसी तरह होता है लैगिंग इंडिकेटर। हम कहते हैं ना, हम मोबाइल यूज करते टाइम पे, पबजी खेलते टाइम पे मोबाइल हैंग होता है, थोड़ा लैग होता है, हम क्या कहते हैं, लैग होता है। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे बोलने और लिखने में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है आपके तरफ, तो आप क्या कहोगे, सर आपका वॉइस लैग हो रहा है ना, आपका वॉइस लैग हो रहा है,
लैगिंग इंडिकेटर मतलब जो लैगिंग इंडिकेटर मतलब जैसे कि रिसेशन आ गया है, रिसेशन आ गया है लेकिन हमें पता भी नहीं चला रिसेशन आ गया है, और बाद में कुछ हुआ उसके बाद हमें पता चला कि रिसेशन आया है, मतलब वो इकोनॉमिक कंडीशन आ गई है लेकिन वो कंडीशन आने के बाद में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि रिसेशन आ गया है, इसे कहते हैं हम लैगिंग इंडिकेटर। पढ़ो लैगिंग इंडिकेटर क्या है। Lagging indicator reflects the economy's historical performance and changes in these indicators are observable only after an economic trend or pattern has already occurred. ठीक है। In other words, तो मतलब historical performance होने के बाद हमें पता चलता है, मतलब activity खत्म हो गई, economy में downfall आ गया, recession आ गया, recession आने के बाद हमें पता चला कि अरे यार यहाँ तो recession आ गया। ठीक है, जैसे कि आप अभी इकोनॉमिक्स की क्लास चालू है, आप घर में बैठे हो, जैसे ही क्लास खत्म हुई आप घर के बाहर निकले, घर के कंपाउंड में देखा, घर का कंपाउंड पूरा गीला है, कंपाउंड पूरा गीला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बारिश आके गई, रेनफॉल होके गया है ना, मतलब रास्ते गीले हैं, रोड आर वेट, आप लिख लो यहाँ पे लैगिंग में, रोड आर वेट, इसका मतलब गीले रोड देख के हमें क्या पता चला कि अभी बारिश आके गई, तो रोड्स आर वेट, ये क्या है, लैगिंग इंडिकेटर। लेकिन आज सुबह जब उठे सबका थंडर स्टॉर्म था, ठीक है, जोर से बादल गरज रहे थे, हवाएं चल रही थी, तो इसका मतलब हमने क्या बोला, अभी रेनफॉल आने वाला है, तो थंडर स्टॉर्म क्या हो गया हमारे लिए, लीडिंग इंडिकेटर। थंडर स्टॉर्म क्या हो गया, लीडिंग इंडिकेटर कि अब अभी बारिश आने वाली है। और अगर हम अभी क्लास के बाहर निकले और हमने देखा रास्ते गीले हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये लैगिंग इंडिकेटर है, हम क्या बोलेंगे कि बारिश आके गई, हम क्या बोलेंगे, बारिश आके गई। समझ में आया कि आपको लीडिंग एंड लैगिंग। हाँ सर। ठीक है, अ थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर पढ़ो। अ थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर इज कोइंसिडेंट इंडिकेटर। Coincident economic indicators are also called as concurrent indicators. Coincides or occur simultaneously with the business cycle moment. Since they coincide fairly closely with change in cycle of economic activity, they describe the current state of the business cycle. In other words, these indicators gives information about the rate of change of expansion or contraction of an economy more or less at the same point of time it happens. A few examples of coincident indicators are gross domestic product, industrial production, inflation, personal income, real retail sales, and financial market trends such as stock market prices. ठीक है। थर्ड इंडिकेटर क्या बोला इन्होंने, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। ये फ्लोचार्ट बनाया ना आपने? हाँ सर। ये देखो मैं पढ़ाते टाइम बहुत रफ में, मतलब एक ही जगह कम होने की वजह से मैं यहीं पे लिखते जाता हूँ। आपको कैसे लिखना है आपका, एक तो अगर आप ये बुक में लिख रहे हैं तो आपको भी यहीं पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा, या आपको स्टिक नोट्स यूज करनी होगी। मार्केट में स्टिक नोट्स मिलती है, 25-30 रुपयों की कुछ आती है, वो स्टिक नोट्स लेने का। जैसे कि अगर बड़ी चीज मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने अब इतनी सारी डेफिनेशंस लिख दी, तो ये डेफिनेशंस के लिए यहाँ पे बड़ा एक स्टिक नोट लगा दिया, पेज पे एक स्टिक नोट लगा दिया, और तो उस पर डेफिनेशंस आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि सर एक डाउट है, हाँ, इसमें लैगिंग लीडिंग इंडिकेटर्स में सर, हाँ, पीछे ना इसके मतलब इसके जो एग्जांपल्स है ना, हाँ, उसके ऊपर क्वेश्चंस है, तो वो एग्जांपल्स क्या लर्न करने पड़ेंगे क्या, लर्न करने, क्योंकि काफी ओवरलैपिंग है। नहीं देखो आपको इसके मीनिंग समझने, लर्न कुछ भी नहीं करना है, हम अभी प्रोफेशनल कोर्स में ऐसे लर्न नहीं करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है। आपको लीडिंग इंडिकेटर क्या, हाँ, लेकिन हर चीज को अपन अलग तरीके से भी तो इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, मतलब इंटरेस्ट रेट उन्होंने लीडिंग इंडिकेटर में लिखा है, बट इट कैन बी अ लैगिंग इंडिकेटर टू, क्योंकि मतलब रिसेशन में आने के बाद ही बैंक अपने रेट्स कम करेगी ना, ताकि वो क्रेडिट दे सके, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हो रहा है तो वो लीडिंग इंडिकेटर ही बोलेंगे हम। और ऐसे केस में देखो कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। साइंस में क्या होता है, 2+2=4,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलेगा, 2O प्लस नहीं 2H प्लस O होगा तो H2O बनेगा। ये क्या है, साइंस है, परफेक्ट साइंस है, लेकिन इकोनॉमी में क्या है, सब धुआं है, कुछ भी ऐसा जैसा फिक्स नहीं है। हमने एक बात बताओ, इतने दिन से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी हमने कॉन्फिडेंस से बोला क्या? नहीं, हम हर जगह क्या ले रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड जो बेसिक्स है हमारा, उसमें ही तो हमने अजम्पशन ले लिया, क्या सेटिरस पेरिबस, बाकी सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रख दो। ये कैसा है, ये पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी हो सकते हैं, लेकिन अब अगर जो आपने हमको बोला है इंटरेस्ट वाला, अब ये इसमें दो आंसर आ रहा है, तो इसमें हम फॉलो क्या करेंगे, आईसीआई ने क्या बोला है उसको फॉलो करेंगे, आईसीआई उसको लीडिंग इंडिकेटर बोल रहा है तो हम उसको लीडिंग इंडिकेटर मान के आंसर लिखेंगे। सर लेकिन ऐसे तो हर मतलब हर इसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से हो सकता है, तो फिर क्या करना? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर रीजन रहता ही है, कहीं ना कहीं प्रॉपर रीजन रहेगा ही। सर जीडीपी फिर कोइंसिडेंट इंडिकेटर कैसे बोला इन लोगों ने, क्योंकि जीडीपी तो हम हर क्वार्टरली निकालते हैं राइट? हाँ, तो जीडीपी हम क्वार्टरली निकालते हैं, तो जीडीपी कब का निकलता है, पास्ट डेटा का निकलता है ना, या जो करंट अभी चल रहा है उसका जीडीपी निकलता है ना। बैंक का इंटरेस्ट रेट, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है, बैंक ने मान लो 8% का इंटरेस्ट रेट घटा के 6% कर दी, तो ये 6% रेट्रोस्पेक्टिव की क्या, नहीं आने वाले समय के लिए की, फ्यूचर पीरियड के लिए की, तो इसका मतलब बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम की, तो अभी क्या है सिचुएशन अलग है, तो ये क्या हो गया लीडिंग इंडिकेटर हो गया, बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम की, कब के लिए की, फ्यूचर पीरियड के लिए की। बैंक ने स्पेक्यूलेट किया है क्या फ्यूचर में जो होने वाला है उसका, फ्यूचर में जो कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं? डेफिनेटली, बैंक को कौन गवर्न करता है, आरबीआई गवर्न करता है, आरबीआई देखता है कि मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं है, मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं है, जो बैंक की इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होते हैं उसके पीछे भी लॉजिक होता है। अगर हमें इकोनॉमी ग्रो करनी है, रिसेशन फेज है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो देखो मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग क्या करेंगे, लोन लेना चालू करेंगे, लोगों ने लोन लेना चालू किया, लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लोन लेके खर्चा करेंगे, लोन पे कार ले ली, लोन पे घर ले लिया, घर ले लिया तो घर पे डेकोरेशन का खर्चा, पेंटिंग का खर्चा, तो ऐसे खर्चे होते जाएंगे, वर्कर्स लगेंगे, तो सबको पैसा मिलते जाएगा। बैंक ने लोन घर बनाने के लिए दी, लेकिन वो पैसा कितने लोगों को मिल रहा है, पेंटर को मिल रहा है, प्लम्बर को मिल रहा है, इलेक्ट्रिशियन को मिल रहा है, सीमेंट वाले को मिल रहा है, तो इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, इकोनॉमी में पैसा आया तो ये लोग पैसा खर्च करेंगे, तो जो रिसेशन था, रिसेशन पलट जाएगा और ग्रोथ फेस आएगा। तो सब कैसा हुआ, इंटरेस्ट रेट के वजह से, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट को डिमांड बढ़ानी है तो इंटरेस्ट रेट के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दिया तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड गिर जाती है। अब मान लो इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आप एफडी में पैसा डालोगे क्या? अगर एफडी में आपको 3% रिटर्न मिल रहा है तो आप एफडी में पैसा डालोगे क्या? नहीं। आप क्या करोगे? हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, हम शेयर्स खरीद लेते हैं या खर्चा कर देंगे। इसका मतलब ही क्या हो गया, इकोनॉमी में पैसा आ गया, इकोनॉमी में पैसा आ गया, जिसकी प्रॉपर्टी हमने खरीद